इसी तरह दूसरे काफिले में कैंडल मार्च रेलवे फाटक से लेकर यादविंद्रा गार्डन तक भजनलाल फाउंडेशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ बिश्नोई, कांग्रेस वरिष्ठ नेता बलवान ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारत माता की, भारत माता की, वीर जवान, वीर जवान, भारतीय सेना, भारतीय सेना, सीआरपीएफ के, उनको श्रद्धांजलि दे सके। और हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, सरकार को भी, कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ऐसी दुर्घटना के बाद सारा देश एक साथ है और हम आतंकवादियों को दिखा देंगे कि उनके हमलों से हम कमज़ोर नहीं होते, उनके हमलों से हम और भी मजबूत होते हैं। और सरकार की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, हम उनके साथ हैं, उनके पूरी तरह से उनका हम साथ देंगे। और मैं एक संदेश और भी देना चाहता हूँ कि हमने एक पिटिशन शुरू की है ऑनलाइन कि जैश ए मोहम्मद के जो लीडर हैं उनको अभी तक इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा नहीं दिया गया यूएन द्वारा, क्योंकि चाइना बार बार इस बात को ब्लॉक करता रहता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो ऑनलाइन पिटिशन में साइन करें और अपनी तरफ से चिट्ठियां लिखें यूएन को भी और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं ताकि पूरी दुनिया में दबाव बने कि हमारे ऊपर जो भी टेररिस्ट का अटैक हुआ है उनके ऊपर उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के प्रति रोष व्यक्त करते हुए पूर्वांचल एकता मंच कालका पिंजौर की ओर से पिंजौर के मुख्य बाजार से गुजरते हुए यादविंद्रा गार्डन तक कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक शैलेंद्र कुमार मिश्रा व एकता मंच के अध्यक्ष आरएस यादव व महासचिव सुधीर चौधरी ने की। इस कैंडल मार्च में पूर्वांचल समाज व शहर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। की ओर से ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया है जिसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और उनको ये भरोसा दिया जा रहा है कि पूरे भारत के 125 करोड़ लोग भारतवर्ष के आपके साथ हैं। देश आज रो रहा है आज की जो परिस्थिति है उस पर, और हम सबको भरोसा है कि भारत सरकार इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद करें और हमें शांति से जीने का हक दें और ये जो हालात जो पैदा कर रहे हैं आने वाले कल के बाद ये सिर न उठा सके, इन्हीं शब्दों के साथ सरकार के भी हम सराहना करते हैं। दूसरी बात, एक हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इन लोगों के जो हर सैनिक है आज देश के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी सरकार के पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है, उनको यहाँ से पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारी सरकार से गुजारिश। सरकार साथियों को, पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आके इस हमारे कार्यक्रम को और खासतौर पर मुख्य सरकार देश की मुख्य धारा के साथ सम्मिलित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुलवामा में ये जो कातिलनामा हमला हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जो पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है, इसके लिए हम सभी नागरिक और देशवासी मिलजुल कर इसका कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम गुजारिश करेंगे भारत सरकार से। और इसके लिए इस बार मैंने देखा कि जहां भी हमारा जो भी जहां भी यूनिवर्सिटी हो, फैक्ट्री हो, जहां भी जो भी संस्थान है, यहां तक कि टीवी चैनल हो, उस पे अगर कोई भी अगर इसके खिलाफ अगर निंदा किया है और इसका पाकिस्तान का समर्थन किया है उसको तुरंत खारिज करते हुए उसको तुरंत निष्कासित कर दिया गया है। इसको हम तहे दिल से सभी जो संस्था है, फैक्ट्री है, स्कूल कॉलेज और चैनल वालों को, सभी भाई बंधुओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह हम एकजुटता का प्रतीक रहें और जो भी हमारा मुंह ऊंचा करे उसको हम सिरे से खारिज करके और उसको हम मुंह तोड़ जवाब दें। और धन्यवाद। माता की जय। मैं एक सैनिक की बीवी खुद हूँ, मुझे सैनिक की दर्द अच्छी तरह पता है। आज हमारे पूरे आवाम रो रहा है, एक एक जनता, एक एक घर में मेरे हिसाब से कोई रोटी भी नहीं खाया होगा जिस दिन ऐसे घिनौनी हरकत हुआ। मैं इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि हमने श्रीनगर में, जम्मू में, पुलवामा में ऐसी हरकत देखे। आपने टीवी चैनल पर रोते बिलखते हमारी बहनों को देखा होगा, जो बच्चे जिनके सर से जिनके बाप का साया चला गया, मतलब हर एक जनता में ऐसी आक्रोश है कि बस एक बार छूट दे दिया जाए
सैनिक सैनिक तो सैनिक आवाम जिंदा ना छोड़ेगा, पाकिस्तानी को नोच के खा जाएगा। ऐसा ऐसा खून खोल रहा है हर एक भारतीय के दिल में, ऐसा खून खोल रहा है कि उनको एकदम से ख़त्म कर देगा। तो अब हमारी आवाम से, सरकार से, हमारी मोदी जी से उन्होंने बड़े सख्त कदम उठाए और उनसे विनती यही है कि बस जितने भी श्रीनगर में जितने भी उनको सुविधाएँ मिल रही है वो तुरंत के तुरंत बंद कर दिया जाए। भारत माता की जय।